हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आफ्ताब और आप सभी का जो है हमारे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, जिस हिसाब से जो मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे इस चैनल पर मुझे सपोर्ट मिलेगा, उस तरह से मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को। आज हम आए हैं IKEA जो कि IKEA है। आज हम जो है आज यहाँ पे ब्लॉग शूट करने वाले हैं। तो आज मैं आपको IKEA के बारे में थोड़ी हिस्ट्री भी बताने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो इनका जो जो बिल्डिंग का कलर होता है कुछ ब्लू कलर का होता है और उसके ऊपर IKEA जो है येलो कलर में लिखा होता है। ये क्यों है ये मैं आपको बहुत ही जल्दी इस वीडियो में। IKEA जो है एक स्वीडिश की कंपनी है जो कि 1943 में एक लड़के के जरिए से फाउंड की गई थी, जो कि था 17 साल का, जिसका नाम था इंगवर के। तो ये स्वीडन की कंपनी है, तो उन्होंने वहाँ से इसको स्टार्ट किया था और उसके बाद में इन्होंने अपने ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉन्च किए थे। और जब ये जो है इंडिया के अंदर हमारा आया है, सबसे पहले हैदराबाद के अंदर जो कि 2018 में, उसके अंदर 2021 में मुंबई में इनके दो ब्रांचेस है और लास्ट में फाइनली जून के अंदर 2022 के अंदर ये लोग ने बेंगलोर के अंदर लॉन्च किया जो कि नागसंद्रा के अंदर है। ठीक है, और एक खास बात मैं आपको इस IKEA के बारे में बता देता हूँ कि IKEA जो है हमेशा अपने जो ब्रांचेस है ये सिटी से दूर ही रखता है सिटी, क्योंकि ट्रैफिक एक्सेस आसान हो जाती है और दूसरा जो है इसका लैंड का कॉस्ट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।